हेलो एवरीवन, आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी मृदा अपरदन, उसके प्रकार व उसकी हानियां पढ़ेंगे। इसमें सोयल इरोजन, इट्स टाइप एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। देखिए, मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, उस ऊपरी परत का सोयल इरोजन जिसको बोलते हैं, मृदा की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसका हवा के साथ उड़ जाना, तेज हवा आई तो उसके साथ उड़ गई, या फिर तेज बारिश हुई पानी के साथ बह गई। तो मृदा की ऊपरी परत का हवा के साथ उड़ जाना या पानी के साथ बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है, सोयल इरोजन कहलाता है। सोयल इरोजन एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में करीबन 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है मिट्टी के बनने की, मृदा के बनने की। लेकिन सोयल इरोजन की वजह से बड़ी मात्रा में जो है ना, हर साल मृदा का अपरदन होके बहुत सारी मिट्टी जो है ना, वो नदियों के द्वारा सागरों महासागरों में डाल दी जाती है। देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो अकेली गंगा नदी हमारे भारत में बहती है, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, वो प्रतिवर्ष यानी हर साल पर ईयर 30 करोड़ टन मिट्टी ले जाकर बे ऑफ बंगाल में डाल देती है, बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। जी हाँ, 30 करोड़ टन मिट्टी, इतनी ज्यादा मात्रा में। इसी वजह से तो हमारा जो सुंदरबन डेल्टा, वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डेल्टा है। तो ये जो है मृदा अपरदन, इस की वजह से धीमे धीमे जब मिट्टी की ऊपरी परत जो है ना, वो पानी के साथ या हवा के साथ उड़ जाती है, पानी के साथ बह जाती है, तो इससे क्या होता है कि मृदा का उपजाऊपन कम होने लग जाता है और धीरे धीरे मृदा जो ना बिल्कुल सीन हो जाती है। इसलिए इसे जो है ना, मिट्टी की, मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। यस, क्रीपिंग डेथ, रेंगती हुई मृत्यु, धीरे धीरे रेंग रेंग के जो ना मिट्टी जो ना वो अपना दम तोड़ देती है, आप ऐसा कह सकते हो। तो मृदा अपरदन जो है वो दो प्रकार, दो एजेंट है जो इसके लिए काम करते हैं, जल और वायु। मृदा अपरदन के सबसे शक्तिशाली अभी करता है एजेंट है, यानी ये ही सबसे ज्यादा जल और वायु के द्वारा जो सबसे ज्यादा अपरदन होता है। देखिए, जल के द्वारा मृदा अपरदन के प्रकार को हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सोयल इरोजन बाय वाटर, पानी के द्वारा, जल के द्वारा कैसे जो है किस प्रकार से मृदा का अपरदन किया जाता है, तो उसके टाइप्स क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है CBSE में भी और जो है ना कंपिटिशन एग्जाम में, UPSC में या हरियाणा एस्टेट में और सब जगह पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला है परत अपरदन, सीट इरोजन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में आपके बेड पे सीट होती है, उसको पूरा हटा दो, इसमें क्या होता है, भूखंड पर जो है ना, जो ऊपरी परत होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, वो पूरी की पूरी बह जाती है पानी के साथ या हवा के साथ उड़ जाती है, सॉरी पानी के साथ, पानी का बता रहे, जल के द्वारा जो ना पूरी की पूरी परत को जो है ना यूं का यूं बहा लिया जाता है, तो पूरी परत जो है ना वो बह के चली जाती है। इसे सीट इरोजन बोलते हैं, मृदा अपरदन का परत अपरदन प्रकार। नेक्स्ट है शुद्र सरिता अपरदन, रिल इरोजन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। जब भूखंड पे पानी की वजह से, आपने कभी कभी देखा होगा ऊंचे इलाके से बारिश के दिनों में जब पानी बह के आ रहा हो, तो मिट्टी में पतली पतली सी उंगलियों के जैसी सरिताएं बन जाती है, नालियां सी बन जाती हैं, जैसे आपकी उंगलियां होती हैं ऐसे ऐसे बीच में जो ना गैप सा बन के पतली पतली सी उंगलियों के जैसी, इसमें भूखंड पर उंगलियों के जैसी पतली पतली सरिताएं उभर आती हैं, इसे हम शुद्र सरिता अपरदन कहते हैं, रिल इरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका अवनालिका अपरदन, गली इरोजन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, भूखंड पर ये जो इसमें देखा ना, रिल इरोजन में छोटी छोटी उंगलियों के जैसी जो ना छोटी सरिताएं होती है, जहां पर बहुत तेज बारिश होती है वहां पर क्या होता है, भूखंड पर गहरी गहरी नालियां बन जाती हैं, जैसे चंबल नदी के बीहर, चंबल नदी बड़ी मात्रा में जो ना इतनी गहरी गहरी खाइयां सी बना देती हैं, गहरी गहरी नालियां बना देती है, तो चंबल जो है वो अपने बीहर के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, वो ऐसी गहरी गहरी बीहर बना देती है। तो वहां पर जो ना वो मिट्टी ना तो खेती के लायक रहती है वहां पर, ना कोई और कार्य किया जा सकता है, तो ये बहुत जबरदस्त नुकसान करती है अवनालिका अपरदन में, तो कृषि लायक जो कृषि योग्य जो भूमि होती है वो ही खत्म हो जाती है। सरपण अपरदन अगला जो है, सरपण स्लिप इरोजन, इसमें क्या होता है, तीव्र ढाल पर ज्यादा वर्षा के कारण
पूरी परत खिसक कर नीचे की तरफ आ जाती है, जिसको भूस्खलन कहते हैं। आमतौर पर ऐसा जो ना पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, पर्वतों के ऊपर जब तेज बारिश होती है तो तेज बारिश की वजह से जो पर्वतों के ऊपर ऊपर जो परत होती है, पतली जो मिट्टी की परत होती है, वो पूरी पूरी परत जो ना नीचे खिसक आती है, क्योंकि तीव्र ढाल होता है और तेज बारिश हो रही है उसकी वजह से। इसे आप जो है ना भूस्खलन भी कहते हैं। तो इससे जो ना खास तौर से जो ना इस प्रकार का आवर्धन पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, इससे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नदी तटीय आवर्धन अगला जो है ये स्ट्रीम बैंक इरोजन, बहती हुई नदी अपने किनारों पर पानी के बहाव की वजह से मिट्टी को काटती रहती है, उसका आपर्दन करती रहती है। नेक्स्ट जो है और लास्ट जो है तटीय आपर्दन शोर इरोजन, ऐसा आपर्दन समुद्री लहरों के द्वारा, समुद्रों में जो ज्वारीय लहरें ज्वारीय तरंगे आती हैं उनकी वजह से वो जब चट्टानों पर प्रहार करती हैं, जो तटीय इलाकों में चट्टानें होती हैं तो उनको काटती रहती हैं, उनका आपर्दन करती रहती हैं। तो इस तरह का आपर्दन आपको आपको जो है ना देखने को मिलेगा सागरों महासागरों में उनके किनारों पर जब वहां जहां पर चट्टाने होती हैं। वायु द्वारा आपर्दन मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में, खासतौर से शुष्क इलाके जहां पर बारिश बहुत कम होती है, ऐसे इलाकों में जब तेज हवाएं चलती हैं, आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु में तेज हवाओं के साथ काफी मिट्टी उड़ के आती है, आंधियां तूफान आते हैं, तो वो कहां से आती है वो मिट्टी? वैसे शुष्क इलाकों में जो है ना जो जहां पर जो ना बारिश बहुत कम होती है वहां पर जो ना मिट्टी में नमी ना होने की वजह से मिट्टी हवा के तेज हवा का जब बहाव होता है तो उसके साथ उड़ जाती है। ठीक है, तो मिट्टी की ऊपरी परत जो ना मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय प्रदेशों में हवा के साथ मृदा की ऊपरी परत उड़ जाती है, तो इस तरीके से जो ना वायु वहां पर जो ना अपर्दन करके उसे सैकड़ों मील दूर ले जाकर छोड़ देती है। देखिये मृदा अपर्दन से हानियां क्या होती हैं? जब मृदा अपर्दन होता है तो उससे बहुत सारी हानियां होती है, जैसे पहली बाढ़, मृदा अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन से जैसे पहाड़ी इलाकों में हमने देखा कि जो पहाड़ी इलाकों में आपका हमने देखा सरपण अपर्दन होता है, स्लिप इरोजन होता है, तो पहाड़ की ढाल से जब पूरी की पूरी मिट्टी बह के आती है और वो रिवर वैली में कहीं पर जमा हो जाए, इससे क्या होगा, रिवर्स वैली जो है ना, रिवर की जो वैली है या रिवर द्रोणी जो आपको बोलते हैं, नदी द्रोणी जो बोलते हैं, वो क्या होगी, चौक हो जाएगी, रुक जाएगी। और जब वो रुक जाएगी तो क्या होगा, जब वो बीच में वो सारी मिट्टी आगे इकट्ठी होगी तो नदी का पानी न किसी तरफ बहेगा, तो वो रास्ता चेंज कर लेता है, डाइवर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से अचानक जो ना सडन फ्लड आती है। ठीक है, उससे जो ना कई इलाकों में भयंकर बाढ़ें आ जाती है और बड़ा नुकसान करती हैं। बालू के जमाव से जब मिट्टी उड़ के आ रही है तो देखिए राजस्थान के अंदर जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है उसकी एक बड़ी समस्या ये थी कि उस टाइम पे जब उसको बनाया गया तो बड़ी मात्रा में रेगिस्तानी इलाकों में तेज हवा चलती थी और शुष्क मिट्टी थी, वो मिट्टी उड़ के आ जाती थी, तो वो जो है ना उसको बार बार उस मिट्टी की जो है ना परत जो है ना नदियों में या नहरों में वहां पर जम जाती है या बंदरगाहों पर जम जाती है, जिसके कारण से उनके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे नदियों में बड़ी मात्रा में जो है ना अपर्दन की वजह से, आप अगर हम बात करें आपके कोलकाता जो आपका बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह जो हुगली नदी के किनारे पे है, वहां पर जहाजों को आने के लिए बार बार जो है ना हुगली नदी को साफ करना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में मिट्टी जो है ना वो बहा कर लाती है अपने साथ और वहां उसको जमा देती है, जिसकी वजह से पानी की गहराई कम हो जाती है और शिप वाइंडर नहीं कर पाते। इसलिए क्या किया जाता है, उस मिट्टी को बार बार निकालना पड़ता है, तब जाकर जो ना उसमें शिप एंटर कर पाते हैं। तो इसकी वजह से जो ना उनके आपके नहरों नदियों और महामार्गों बंदरगाहों के जो ना मार्ग जो ना वो अवरुद्ध हो जाते हैं, उनके जो रास्ते जो ना वो चौक हो जाते हैं। नेक्स्ट जो नुकसान ये है कि उपजाऊ मृदा कम होने से उत्पादकता में कम आती है, कमी आ जाती है। लेकिन जैसे अभी आपकी मिट्टी की ऊपरी परत है वो धीरे धीरे उड़ के जा रही है, जो सबसे फर्टाइल है, मैंने आपको जब इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आप मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो होती है जो पौधों के बढ़ने के लिए और जो ना लाभदायक होती है, जिसमें जीवांश होते हैं खनिजांश होते हैं, वो सबसे जो आपकी टॉप सॉइल होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब वो टॉप सॉइल ही पानी के साथ बहेगी या हवा के साथ उड़गी तो उससे क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उसका उपजाऊपन कम हो जाएगा, और धीरे धीरे उपजाऊपन कम होगा तो वहां पर जिस भी फसल को उगाया जाएगा उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से उपजाऊपन कम होने की वजह से उसकी उत्पादकता में भी कमी आ जाती है। अवनालिका नेक्स्ट जो है वो अवनालिका अपर्दन से कृषि योग्य भूमि में कमी आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका गली इरोजन, जो आपकी चंबल नदी है, चंबल नदी बड़े बड़े बीहड़ बना देती है, इसकी वजह से जो कृषि योग्य भूमि थी वो खत्म हो जाती है, और कृषि योग्य भूमि ना रहने की वजह से
कृषि योग्य जो बियर बन गया उसके कृषि योग्य भूमि ना रहने की वजह से जो हमारे पास लिमिटेड कृषि योग्य भूमि उस पर दबाव बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से जो ना कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये थे आपके मृदा अपरदन के प्रकार, मृदा अपरदन उसके प्रकार व हानियां। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।